साथियों, शिक्षा के विषय में पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, राष्ट्रीय शिक्षा को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बापू के इसी दूरदर्शी विचार को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषाओं में, मदर लैंग्वेज में शिक्षा का विचार एनईपी में रखा गया है। अब हायर एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के इसके लिए स्थानीय भाषाओं में भी एक विकल्प होगी। मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे छात्र छात्राओं को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। इसका सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब वर्ग को, गांव कस्बों में रहने वाले मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स को, दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को होगा। इन्हीं परिवारों से आने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा लैंग्वेज डिवाइड का सामना करना पड़ता था। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं परिवार के होनहार बच्चों को उठाना पड़ता था। मातृभाषा में पढ़ाई से गरीब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके सामर्थ्य और प्रतिभा के साथ न्याय होगा। साथियों, प्रारंभिक शिक्षा में भी मातृभाषा को प्रोत्साहित करने का काम शुरू हो चुका है। जो विद्या प्रवेश प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया, उसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट अभी तक बड़े शहरों तक ही सीमित है, विद्या प्रवेश के जरिए वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गांव गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू करेंगे। यानी देश के किसी भी हिस्से में बच्चा अमीर का हो या गरीब का हो, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए ही होगी, आसानी से होगी। इस दिशा का ये प्रयास है। और जब शुरुआत मुस्कान के साथ होगी तो आगे सफलता का मार्ग भी आसानी से ही पूरा होगा। साथियों, आज एक और काम हुआ है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, बहुत संवेदनशील है। आज देश में 3 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसे समझते हुए भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय यानी एक सब्जेक्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। इससे भारतीय साइन लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा, हमारे दिव्यांग साथियों को बहुत मदद मिलेगी।